हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष पाठशाला चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज पे हम लोगों ने बेसिक में दो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। आज की क्लास में परसेंटेज में जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक है आपका इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में जनरली इस पे बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपका पेपर मेन्स लेवल पे आप जाते हो तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में इसको कैसे सॉल्व करें, क्या एक तरीका लगाएं जिससे कि सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, वो तरीके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये तरीका हमें सीखना है, वही कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। कैसे हम एक तरीका अप्लाई करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, जैसे कि एक क्वेश्चन आया आपने कुछ तरीका लगाया, दूसरा क्वेश्चन आया आपने कहा कि नहीं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगा दें, उस समय पर हो सकता है कि वो तरीका आपको आसान लगे, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम की कंडीशंस में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो अगर आपने एक तरीके से सभी क्वेश्चंस को लगा रखा है तब वो चीज़ें आसान रहती हैं। लेकिन आप हर तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो अलग अलग तरीकों से, तो फिर वो एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टी फेस कराती है। इस वजह से हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का सवाल हो आपका इलेक्शन पे, आप एक ही तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। इस पर मैं दो क्लासेस लूँगा, पहली क्लास में मैं बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ, अगली क्लास में हम लोग इस पर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। देखो, हमेशा हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से कि 100% लोग हैं, किसी भी जगह पे इलेक्शन होता है तो कुछ उसमें पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 100% है। टोटल वहां पर लोग कितने हैं, 100% है। स्टार्टिंग 100% से चलेंगे, उसके बाद वहां पर जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग चेंजेस करते जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया तो हम लोग इसका निकाल लेंगे कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया। इसके बाद बचे हुए लोगों में से कुछ परसेंट वोट अवैध हो जाएगा, हम लोग अवैध वोट निकाल लेंगे। इसके बाद बात आएगी कि कुछ वोट कैसे हैं, कुछ एक विनर को कुछ वोट मिले होंगे, लूजर को कुछ वोट मिले होंगे, वो कुछ वोटों से जीता होगा कुछ वोटों से हारा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसमें बात ये आती है कि सर 1% 2% या 3%, जब इस तरह की चीजें आ जाएं कि तीन उम्मीदवार हैं तो हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको इसके भी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ये हम लोग सेकेंड क्लास में सीखेंगे कि जब तीन उम्मीदवार वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तब भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तब भी आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यही एक तरीका ही आपको लगाना है, ठीक है। चलो, तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ही हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक है। आपको कॉन्सेप्ट पूछा गया है, आपको क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्शन में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। जनरली क्वेश्चन आपको जो मिलता है एग्जाम में वो दो उम्मीदवारों पे ही रहता है, दो से ज़्यादा उम्मीदवारों पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बट हम लोग उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे कि इन केस आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है तीन उम्मीदवार दे दिया जाए। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग चीज़ों को समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि पहले आपको बोला गया कि एक इलेक्शन में दो लोगों ने भाग लिया, ठीक है। एक इलेक्शन हुआ उसमें दो लोगों ने भाग लिया, टोटल मैंने माना पॉपुलेशन कितनी है, 100% है। दो लोगों ने भाग लिया और कुल वोटों के 30% एक उम्मीदवार को मिले। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 30% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि दो ही उम्मीदवार हैं, तो 100% वोट पड़े और कुछ भी अवैध भी नहीं घोषित हुआ, पूरे लोगों ने वोट भी दिया, तो टोटल वोटर्स का 30% अगर एक को मिल रहा है तो बचा हुआ 70% किसको मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। बात क्लियर हो गई। तो अब देखो, क्वेश्चन में आपको 500 वोटों से बोला गया कि वो हार गया, ये वाला जो बंदा है वो कितने वोटों से हार गया, 500। अब बात यह आती कि ये 500 है क्या, ये 500 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, आप बात को समझो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये 70% मिला तो इसको 30% मिला, तो ये बता रहा है कि कितने वोटों से ये हार गया, यानी कि इसको कितने कम वोट मिले। तो आप कहोगे इसमें देख के तो मुझे लग रहा है कि 40% वोट कम मिले, लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू 500 दी गई है,
बात समझ में आ रही है? ये मैंने कैसे लिखा? क्योंकि इसको मिले 70% वोट, तो इसको मिले 30% वोट, तो कितने वोट कम मिले? 40%। यानी कि ये इन 40% की वजह से हार गया। तो इस 40% की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी गई है? 500। ठीक है, देखो ये बेसिक एक सवाल था। इसी सवाल को इस तरह से भी बोला जा सकता था कि अगर हारने वाले को 500 वोट मिले हों, उस केस में आपका सवाल चेंज हो जाता। उस केस में आपको 30% की वैल्यू 500 रखनी पड़ती। ये मैं कब का केस बता रहा हूँ? ये उस केस में जब आपको हारने वाले के लिए ये नहीं बोला गया था कि वो 500 वोटों से हार गया, उसमें बोला गया था कि उसको 500 वोट मिले और वो हार गया। क्वेश्चन कई तरीके से फॉर्म हो सकता है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करो इस तरह से। आपको ये रट नहीं लेना है कि 40% बराबर 500। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, कितने वोटों से हारा यही आपको एग्जाम में दिया होता है। ठीक, तो 40% की वैल्यू 500 रख दूंगा मैं और आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कुल वोट ज्ञात करने, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। 40% मतलब कितना होता है? 2/5। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा है, तो 2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 500। आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। 2/5 कैसे लिखा मैंने? 40% को 2/5 लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको 40% भी लिखा रहने दे सकता हूँ। 40% की वैल्यू 500 है, 100% की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे सर 20% की वैल्यू निकाल लो, 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। 20% की वैल्यू अगर है 250, तो 100% के लिए क्या करूं? 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 25×5=125, यानी कि 1250। या फिर ऐसे भी कर सकता था कि 2 की वैल्यू 500 है, 1 की वैल्यू 250, 1 की वैल्यू 250, तो 5 की वैल्यू 1250। दोनों ही तरीके सही हैं, जो भी आपको आसान लगता है। दोनों में टाइम भी इक्वल लगता है, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। मैं यहाँ पर आपको कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी आपको समझाऊं, ताकि आप नए क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व कर सको। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखो स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे, मैंने आपको क्या बोला था? हमेशा वोट इनिशियली कितने मानने? 100% वोटों से हमें चलना है। आप हमेशा क्या करो, स्टार्ट करो क्वेश्चन को कहां से? 100% वोटों से। 100% वोट मिले, इनिशियली वोट कितने हैं? 100% है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% वोट कैसे हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने? 100 का 20% अवैध हो गए, तो बचे कितने? 80% वोट वैध हैं। इसके आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? और विजेता को वैध वोटों का, अब देखो यहाँ पर विजेता को क्या बोला गया? वैध वोटों का। विजेता को वैध वोटों का, तो आप क्या कहोगे? इसका कुछ परसेंट, इसका कुछ परसेंट। ठीक है, वैध वोटों का। अब 80 का 70% निकालूं, एक तो वो तरीका हो सकता है 8×56 करूं, या फिर मैं क्या कहता हूं कि मैं 80 का ही निकालूंगा, लेकिन अभी नहीं बाद में। 80 का 70%, इस 80% का 70% वोट किसको मिला है? जीतने वाले को। तो इस 80 का हारने वाले को कितना मिला होगा? 30% वोट मिला होगा। आप कहोगे कि अगर वैध वोटों का 70% जीतने वाले को मिला है, तो वैध वोटों का ही 30% हारने वाले को मिला होगा, क्योंकि वैध ही वो वोट हैं जो असल में पड़े हैं। वैध कौन से वोट हैं? कौन से वोट वैध होते हैं? देखो 20% वोट अवैध हो गए, तो ऐसा नहीं कि वो 20% वोट आपको हारने वाले को मिल जाएंगे। वो 20% वोट हट गए, ना वो जीतने वाले को मिले ना हारने वाले को मिले। तो ये जो 80% की जो भी वैल्यू होगी, उसी वैल्यू में ही बंटवारा होगा, कुछ वोट जीतने वाले को, कुछ वोट हारने वाले को। तो इस 80% का, इस 80% का मैं 70% निकालूंगा, वो वैल्यू होगी जीतने वाले को मिले हुए वोट की। इस 80% की वैल्यू का 30% निकालूंगा, वो वैल्यू होगी आपकी हारने वाले का। अब क्वेश्चन में बोला गया वो 96 वोटों से जीता, 9600 वोटों से अगर वो जीता, तो इनमें अंतर कितने का है? आप बोलोगे इनमें सर अंतर है 80% के 40% का अंतर है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, 80% के 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 80% का 40% लिखूं, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 80% का 40% अभी हम लोगों ने सीखा था 2/5। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है? 9600 दी गई है। आप इसको सॉल्व करोगे, ये 5 से 16 कटेगा, ये 5 से 80 कटेगा, 16 आ जाएगा। 16 का गुणा 2 से करूं, या 16% को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं। कितना? यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको,
टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं, तो आपको 100% भी निकालना है और वैध वोट कितने हैं, वैध वोट कितने यानी 80% भी निकालना है। तो आप एक काम ऐसा करो कि इस 80% की पहले तो वैल्यू निकाल लो। तो 80% की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2/5 को इस साइड ले जाएंगे तो 80% की वैल्यू आ जाएगी 5/2 × 9600। अब देखो 5 से गुणा करो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो तो ये बन जाएगा 10, और इसको 2 और 2 4 से काट दोगे तो 4 से काटोगे 2 से काटोगे 96 का आधा 48, 48 को फिर से 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 24। तो आपका एक आंसर आ जाएगा कि 24,000 वोट पड़े हैं। 24,000 क्या वैल्यू है, वैध वोटों की, और 100% की वैल्यू भी निकाल लोगे। 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर 80% की वैल्यू 24,000 है तो 1/4 इसका कर दूं यानी कि 1/4, 1/4 इसका करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 1/4 करूंगा तो 6000 आप इसमें जोड़ दो यानी कि 20%, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 100% की। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 और 24,000, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर गिवन नहीं है, आप चाहते तो 100% की वैल्यू निकालोगे, 30,000 ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन को फिर से आप लोग एक बार पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कई तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप उसको एक बार बोल सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर मैं इस तरीके से करता हूँ और ये इजी है, क्या ये हर तरीके हर क्वेश्चन में लग सकता है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हो सकता है दे दूं कि ये इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक चुनाव में 10% वोटरों ने अपना वोट नहीं डाला। देखो अब बात आ गई कि 10% लोगों ने क्या किया है, अपना वोट नहीं डाला है, तो बचे कितने, 90%। 90% लोगों ने वोट अपना डाला है जिसमें से 60 वोटरों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया यानी कि उन्होंने भी वोट नहीं डाला। तो अब देखो अभी तक बात क्या थी, परसेंटेज आपको कैसे गिवेन होता था, अभी तक जो आपका क्वेश्चन में परसेंटेज गिवेन होता था उसके बाद अगेन वो परसेंटेज ही देता था, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन में क्या हो रहा, परसेंटेज नहीं दिया, इस बार उसने बोला कि 60 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट तो देने गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया यानी कि वोट नहीं डाला। ठीक है, आज के टाइम पे अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा कि गए तो लेकिन बटन नहीं दबाई, ऐसे ही चले। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 90% माइनस 60 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, ये है परसेंटेज और ये है वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसके बाद वैल्यू लिखनी होगी तो कितनी लिखेंगे, 90% माइनस 60, ये क्या है, वैलिड वोट्स, या फिर टोटल जो वैलिड वोट्स हैं वो वैल्यू आ गई। ठीक है, 10% अपना वोट डालने नहीं गए, 60 लोग गए भी तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये वैलिड वोट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90% माइनस 60। ठीक है, विजेता को 45% कुल लोगों का समर्थन मिला, कुल लोगों का बात करी गई तो कुल लोग कितने हैं, 100%, तो विनर को कितना मिला है, 45%, कुल लोगों का 45% का समर्थन किसको मिला है, विजेता को। और क्या हुआ, वो 308 वोटों से जीत गया, वो 308 वोटों से जीत गया, मतलब विनर और लूजर में कितने का अंतर है, 308 का, ये अंतर है 308 का। अगर विनर को 45% मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 90% माइनस 60 वोट्स हैं जो टोटल पड़े, इसमें से 45% तो इसको चले गए तो बचे हुए किसको जाएंगे, तो आप कहोगे सर 45% माइनस 60, ये वैल्यू जानी चाहिए थी लूजर को, तो इसमें डिफरेंस देखोगे कितने का है, इसमें डिफरेंस कहोगे सर ये तो 45% है, ये 45% ये भी आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें देखो एक चीज क्या है कि विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47%, सॉरी हिंदी और इंग्लिश में देखो थोड़ा सा गड़बड़ी है, 47 है और वहां पर क्या है, 45 है। ठीक है, तो ये परसेंटेज यहाँ पर 47% है, ये होगा अगर 47 तो ये कितना हो जाएगा, 43। देखो लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, उसको चेक कर लेना, ये हो जाएगा 43% माइनस 60 और वो कितना है 40, थोड़ा सा चेंज है हिंदी और इंग्लिश में, आपको इंग्लिश की लैंग्वेज को देखना है। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का है, आप कहोगे इन दोनों में अंतर है 308 का। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर देख सको, 47% और 43% माइनस 60, ये डिफरेंस कितने का है, 308 का। तो आप डिफरेंस देखोगे इन दोनों में कितने का है, तो आप कहोगे इन दोनों में डिफरेंस है, 47% में से 43% घटाऊंगा ये आ जाएगा 4%, माइनस 60 है घटाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 60, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 308, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 इसमें से घट जाएगा, ये आ जाएगा 248,
4% की वैल्यू आ गई 248, आपको कुल वोटर्स, टोटल वोटर्स चाहिए, तो आप 4% में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे? या तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो, इसमें से 4 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 62, और 100% इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 100% यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो जाएंगे, 6200। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे सवाल हैं, सभी सवाल बहुत अच्छे हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको सेकंड क्लास में बहुत अच्छे लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, आज की क्लास में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को सीख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, लोकसभा चुनाव में दो उम्मीदवार थे ए और बी, दो उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव में, एक ए है और एक है बी, ठीक है। बी को ए के 50% वोट मिले, बी को ए के 50%, यानी कि अगर ए को मिला 2 तो बी को कितना मिला, 1, कुछ इस तरह से कह रहा है, 2 अगर ए को मिलता है तो बी को मिलता है कितना, 1। यदि ए को 200 वोट कम मिलते, यदि ए को, अगर ए को 200 वोट कम मिलते, इफ हैड ए गॉट 200 वोट लेस देयर वुड हैव बीन ए टाई। अगर ए को क्या बोलता है, अगर ए को कितने 200 वोट कम मिलते, यानी कि ए को 200 वोट कम मिलते, तो ये 200 वोट जाते कहाँ पर, ये जाते बी के पास, तो बी को क्या हो जाता, 200 वोट ज़्यादा मिलते, तो बोल रहा है कि इन दोनों के वोट्स कैसे हो जाते, आपस में बराबर हो जाते, ये वैल्यू कैसी हो जाती, बराबर हो जाती। तो मैं कहूँगा अगर 2 है 1 है, इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको जोड़ूँ या घटाऊँ, तो 1 में घटाने पर भी सेम आ जाए, इसमें जोड़ने पर भी सेम आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 से घटाओगे अगर 0.5 तो ये आ जाएगा 1.5, और इसमें भी अगर 0.5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1.5, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.5 की वैल्यू, ये आ जाएगी 200, 0.5 की वैल्यू अगर 200 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 400, 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 400। तो क्वेश्चन में पूछा कुल वोट कितने थे, कुल वोट पूछा जा रहा है, 1 की वैल्यू है 400, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800, तो कुल वोट कितने हैं, 800 प्लस 400, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1200। क्लियर है? 1200 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं मीकू और मात्रे, मीकू और मात्रे दो आपके उम्मीदवार हैं, एक कौन है, एक आपका है मीकू, एक है आपका मात्रे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दो उम्मीदवार हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मीकू को 65% वोट मिले, देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक है हिंदी में, उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वोट मिले यदि कुल वोट 6000 थे, मीकू को 65% वोट मिले, क्वेश्चन में क्या कहा गया, मीकू को कितने वोट मिले, 65%, और क्वेश्चन में कहा गया टोटल वोट अगर 6000 थे तो वैध वोट जो मात्रे को मिले उनकी संख्या बताइए, यदि 25% कुल वोट अवैध हैं। आपने क्या किया, टोटल अगर 100% सर हम लोग लेके चलते हैं तो क्या होता है, 25% कुल वोट अवैध हैं तो बचे कितने, 75%, 75% वोट बचे। अब इसमें से भी कुल 65% वैध वोट, कुल 65% वैध वोट, 65% किसका, वैध वोट होगा, 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स हैं कितने, 75%, 75 का 65% किसको मिला है, मीकू को, तो इसका बचा हुआ 35% किसको मिलेगा, मात्रे को। और अब क्वेश्चन में कहा क्या गया आपको कि वैध वोट जो मात्रे को मिले उनकी संख्या बताइए, यदि कुल वोट 6000 थे, आपको टोटल वोट्स की संख्या कितनी दी गई, 6000, आपको टोटल वोट्स की संख्या गिवेन है 6000, तो आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कुल वोट अवैध हैं, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ओके व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट मात्रे गेट्स, आपको बताना है मात्रे को कितने वोट मिले, ठीक है, मात्रे को यही पूछा गया क्वेश्चन में कि कितने वोट मिले, तो ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 75% है, 65% इसका आ गया, तो 75 का 35% ये वैल्यू 75% है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4, ये डायरेक्टली आ जाएगी 3/4, ठीक है, ये 3/4 आ गई, 35% को 35/100 लिख लूंगा, और टोटल कितना है 6000, आपको इसको ही सॉल्व करना है। आपके देखो दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, आपका ये 4 से कटेगा, ये 60, 15 चौके 60, ये आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा, 15 × 3, 15 × 45, तो ये आ जाएगा 45 × 35। अब आपके ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 50 − 5 लिख लूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, 35 × 50 करूँ या फिर 100/2, तो 3500/2 ये कितना आ जाएगा,
1750, 3500 का आधा करूंगा तो 17 दूनी 34, 1750 माइनस में 35 × 5 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 15 150, 55 25, तो 150 और 25 कितना हो जाएगा, 175। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1750 माइनस 175, आप इसको सॉल्व करोगे तो 175 इसमें से घटाऊंगा तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 4, 7 में घटाऊंगा तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 1 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 में 1 घटाऊंगा तो 5, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1575। क्लियर, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1575। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1575 वो वैल्यू है जो आपकी मात्रे को मिली होगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गई थी, आप इसको और इजी वे में भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि 100% वोट्स हैं टोटल, वैलिड वोट्स का ही मीकू को भी मिलेगा, वैलिड वोट्स का ही मात्रे को भी मिलेगा। देखो ये वो क्वेश्चन है, अगर आप किसी से पूछोगे नए पर्सन से जिसको सिर्फ उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रखे हो और उसको बेसिक क्वेश्चन अगर नहीं पता होंगे तो वो यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कन्फ्यूज नहीं होना है, बेसिक आप चीज़ों को समझ के चलो कि 75 का ही 65% मीकू को मिलेगा, 75 का 35% मात्रे को मिलेगा। तो आपको टोटल गिवन है 6000, तो आपसे पूछा गया मात्रे को कितना परसेंट मिलेगा, तो आप कहोगे टोटल का 75% और उसका 35% मैं निकालूंगा, वही वोट्स मात्रे को मिलेंगे। यहां पर हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशन करी, बाकी कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरह से समझ में आ चुका था। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन, क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग पढ़ लो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम इन कर देता हूं ताकि आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो एंड देन उसको अप्लाई करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, एक उम्मीदवार, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन कहा गया कि अगर 100% टोटल वोट्स हैं तो कितने 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने परसेंट हो गए, आप कहोगे 10% घटा दो तो बचे कितने, 90%। 90% के बाद क्या बोला गया, 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, तो इसमें से 2500 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 2500 वोट अवैध घोषित हो गए और विजेता को 55% वोट मिले, तो विजेता को 55% वोट मिलेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी वैध वोटों का ही 55% विजेता को मिलेगा। क्वेश्चन में कुछ कहा तो गया नहीं, जब तक क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं जाए तो हम लोग क्या मानेंगे, वैध वोटों का, हालांकि लिखा हुआ है कि वैध वोटों का मिले 55% वैध वोट मिले। ठीक है, विजेता को 55% वैध वोट मिले तो बचे हुए 45% किसको मिलेंगे, आपके लूजर को। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, वह 2000 वोटों से जीता, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10% का, तो 10% इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 2000। ये किसका 10% है, इस नंबर का, क्योंकि ये क्या है, वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 90% है उसका 10%, मतलब 1/10, तो ये आ जाएगा 9%, और 2500 का 10% निकालूंगा, ये आ जाएगा 250। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 2000, तो 9% की वैल्यू 2000 है, तो 9% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 250 को इस साइड लिख दोगे, ये आ जाएगा 2250, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से डिवाइड कर दोगे, 25 × 9 = 225, ये आ जाएगा 25 250, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो इसमें बढ़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 25000। पूछा गया वोटिंग लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो आप कहोगे 100% की वैल्यू आ गई 25000, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 25000। ठीक है, बात समझ में आ गई, सभी को क्वेश्चन समझ में आए। चलो तो ये आज की क्लास थी, इसमें हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन सीखे, हम लोग डेली अब क्लासेस जैसा कि मैंने बोला करने वाले हैं, डेली हम, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन के वीडियो आपको रिकॉर्ड करूंगा, आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको PDF भी देता रहूंगा। धीरे धीरे आप प्रिपरेशन करते रहो, आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा, अरिथमेटिक का मैंने आपको प्रॉमिस किया है वो मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर ही आपको समझाऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा। एंड देन आपके पास मेल ID भी है, अगर आपको मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, मैं वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो गाइज इस तरह से हम लोग अभी आज इलेक्शन स्टार्ट किया है, कल की क्लास में हम लोग और इस पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको लेकर के आऊंगा और 3 के जो इलेक्शन होता है उनको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इजीली हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।